नौवीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। खेल कूद द्वारा होता है स्वास्थ्य का निर्माण जरूरी है। खेल क्योंकि स्वास्थ्य है जीवन का प्राण। हाँ तो बच्चों आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ खेलों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ। तो ये पाठ जो है बच्चों संकलित है। तो बच्चों ये पाठ जो है संकलित है अर्थात इकट्ठा किया हुआ या फिर संग्रहित है, इसमें न लेखक व लेखिका नहीं लिखते। चलिए पाठ पढ़ते हैं। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी होता है। तो देखिए खेलों की दुनिया में मतलब जहाँ जहाँ पर खेल है वहाँ पे सदा हमेशा आनंद यानी खुशी और उल्लास, उल्लास का मतलब क्या हर्ष उमंग का वातावरण मतलब एटमोस्फेयर रहता है। आपने देखा होगा जब बच्चा खेलते हो तो आपको कितना उत्साह रहता है आपके मन में, कितना आनंद कितना एक्साइटमेंट रहता है ना बच्चों। तो खेलने के समय आपको एक्साइटमेंट आनंद हर्ष उल्लास का वातावरण यानी एटमोस्फेयर रहता है। उत्साह का शीतल समीर, उत्साह मतलब एक्साइटमेंट या फिर एंथुसियाज्म का जो शीतल समीर, शीतल का अर्थ क्या बच्चों ठंडा, समीर हवा। तो ये जो एक्साइटमेंट का जो हवा ठंडी हवा हमारे अंदर बहने लगती है जैसे हम खेलों का नाम सुनते हैं। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, बिल्कुल सही। खेल जैसे जो है हमारा तन हमारा शरीर और हमारा मन, मन मतलब मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहता है। तो मनोरंजन भी मिलता है अर्थात इसमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है। खेल कई तरह के होते हैं, साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल मानसिक खेल। शारीरिक खेल का अर्थ है बच्चों जो फिजिकली खेला जाए, जैसे कि आपने देखा होगा कि खेल में जैसे फुटबॉल हुआ क्रिकेट हुआ, तो ये क्या है शारीरिक खेल है। तो जिसमें हम फिजिकली या फिर मतलब हाथों से या फिर पैरों से इसे खेला करते हैं। लेकिन मानसिक खेल जो मान मतलब दिमाग यानी मस्तिष्क के द्वारा खेले जाते हैं। तो बच्चों इस चित्र में आप देख रहे हैं इसमें जो है अलग अलग तरह के खेल दिखाए गए हैं। तो बच्चों ये सब जो है शारीरिक खेल है। तो मानसिक खेल जो दिमाग से खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है चेस जिसे हम हिंदी में शतरंज कहते हैं। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है अर्थात जिन खेलों में खेलते समय फिजिकली श्रम मतलब वर्क हार्ड वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं हम शारीरिक श्रम खेल और उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी बच्चों, ये हॉकी है बच्चों, ये गुल्ली डंडा है, ये कुश्ती है, क्रिकेट कुश्ती फुटबॉल बैडमिंटन तैरना दौड़ना आदि। तो ये सब बच्चे ये सब जो है शारीरिक श्रम से खेले जाने वाले खेल हैं। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, विपरीत का अर्थ बच्चे इसके अगेंस्ट में या ऑपोजिट में या इसके विरुद्ध में जो खेले जाने वाले खेल हैं उनको कहते हैं मानसिक श्रम। और जिसमें जो है शतरंज है कैरम है पासा है, आप इस चित्र को देख सकते हैं बच्चों ये बाघ बकरी का खेल है। तो ये सब मानसिक खेल है। तो इसी प्रकार व्यक्तिक खेल, व्यक्ति खेल का अर्थ है बच्चों जो अकेला इंडिविजुअली खेलता है, अपने बलबूते पे वो जीतता है। तो जीत हार जो है बच्चों अपने लिए होती है, वो इंडिविजुअल के लिए होती है, तो वो है व्यक्तिगत खेल। सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। सामूहिक खेल का अर्थ है बच्चों जो एक ग्रुप में एक टीम वर्क होता है उसमें खेलते हैं बच्चे, जैसे फुटबॉल हॉकी। तो उसमें सब मतलब अपना अपना हर एक प्लेयर अपना अपना योगदान देता है और इस तरह से वो एक टीम बनती है। तो जब जीत जाते हैं तो वो पूरी टीम को जो है सम्मानित किया जाता है, तो इसे कहते हैं सामूहिक खेल।
व्यक्तिक खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। तो देखिए अकेले जो खेला जाए उसे कहते हैं हम व्यक्तिक खेल। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि है। तो देख सकते हैं बच्चों आप इस चित्र में सामूहिक खेल में वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में टीम है, टीम यानी एक हर एक खिलाड़ी जो है अपना अपना मतलब खेल को अच्छी तरह खेल कर जो है वो अपने टीम को जिताता है, अच्छा प्रदर्शन करके अपने टीम को वह जीत दिलाता है। तो वही है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि, जिन्हें हम मैदानी खेल कहते हैं। मैदानी खेल का मतलब है जो आउटडोर गेम्स जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, इनको कहते हैं हम मैदानी खेल। शतरंज, कैरम, पासा आदि जो है घरेलू खेल है, जो इनमें जरूरत नहीं पड़ती बाहर मैदान में खेलने की, वो हम घर में या खेल सकते हैं। तो आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे आप बच्चे जानते हो अब जो क्रिकेट का सीजन है, आईपीएल चल रहा है, तो हर कोई जो है आईपीएल में बिजी है मैच देखने में। तो आप सब लोग मतलब इससे बहुत ज्यादा मतलब खेलते भी हो और इसका जो है आप आनंद भी उठाते हो। तो ये जो खेल है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है हमारे देश में। हॉकी क्योंकि ये नेशनल गेम है और इंडियन नेशनल गेम है, क्रिकेट जो है इंटरनेशनल गेम है, बैडमिंटन भी इंटरनेशनल है, शतरंज जो है वो इंडोर गेम है, कुश्ती भी जो है इंटरनेशनल खेल है। तो ये सब आदि जो खेल जो है बच्चों ये लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य और राष्ट्र स्तर के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्थात राज्य, राज्य का मतलब क्या बच्चों यहाँ पे स्टेट, राष्ट्र मतलब नेशनल, किस तरह लेवल पर खिलाड़ियों को पुरस्कार यानी अवार्ड्स दिए जाते हैं। उन अवार्ड्स के नाम जैसे अर्जुन, अर्जुन एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव, खेल रत्न आदि। तो देखिए बच्चों अर्जुन, अर्जुन जो है जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव, खेल रत्न आदि। बच्चों ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये सब जो है नेशनल स्तर के अवार्ड्स हैं। बच्चों ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये जो है ध्यानचंद जी हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इनके जन्मदिन को 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्हीं के नाम से जो है हॉकी टीम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। तो बच्चों जो पुरस्कार जो उनको प्राप्त होता है तो उसमें जो है पैसे यानी धन भी दिया जाता है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी, जो खिलाड़ी बहुत अच्छे खेलते हैं उन लोगों को जो पुरस्कार के साथ जो है राज्य सरकार यानी कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार और बैंक और बहुत सारी कंपनियां उनको जो है नौकरी दे मतलब देती है। अर्थात आपने देखा होगा कि एमएस धोनी अब जो रिटायर हो चुके हैं उनको जो है सम्मानित कर तो उनको सम्मानित किया जाता है। केंद्र सरकार का अर्थ है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। मतलब जिन्हें पुरस्कार प्राप्त है, जिनको जिन खिलाड़ी को पुरस्कार दिए गए हैं उनको जो है क्या करती है गवर्नमेंट या सरकार जो है उनके लिए जो है भर्ती में जो है उनका रिजर्वेशन की सुविधा देती है। इतना ही नहीं रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो है इनको रेल यात्रा में, हवाई जहाज में जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो उनको जो है एक रिजर्वेशन की मतलब फैसिलिटी दी जाती है। कई कंपनियों खिलाड़ियों को अपनी प्रतिनिधि बना लेती है।
मतलब प्रतिनिधि मतलब जैसे उनको रिप्रेजेंटेटिव बना, प्रतिनिधि मतलब एम्बेसडर बना लेती है। तो बच्चों बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं जैसे आप देख सकते हैं एमएस धोनी या जो भी या क्रिकेट से संबंधित है या फुटबॉल से संबंधित है, उनको जो है एक एम्बेसडर बना के जो है अपने प्रोडक्ट में अपने जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका एम्बेसडर बनाते हैं, जिससे जो है उनकी मार्केटिंग होती है। तो आपने देखा होंगे बच्चे कि एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, तो इन सेलिब्रिटी के द्वारा जो है एड्स करके जो है वो मुनाफा कमाते हैं।